नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि सितंबर महीने में आपके जीवन में यह तीन घटनाएं होने वाली हैं और तीन घटनाओं को चाहकर भी आप नहीं टाल सकते और इन तीन घटनाओं के कारण तुला राशि के जातकों के जीवन और जिंदगी की रूपरेखा में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इनके जीवन में जो भी दुख तकलीफें, समस्याएँ, संकटें या आर्थिक तंगियाँ हैं, उन सबों से भी आपको छुटकारा प्राप्त होने वाली है। मित्रों, सावधान, अगर आप अकेले हैं और एकांत में हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई सारी की सारी जानकारियां रहस्यमय रहेंगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुला राशि के जातकों को ही जानना, सुनना और समझना चाहिए। तथा आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफें हैं, उन सबों से भी यह तीन घटनाएं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने वाली हैं और ना चाहते हुए भी इन तीन घटनाओं को आप अपने जीवन में इस महीने देखने वाले हैं। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो आपको बताना चाहेंगे कि सितंबर महीने के प्रारंभ में ही भगवान शनिदेव आप पर काफ़ी प्रसन्न हो रहे हैं, जिनके कारण शनिदेव की कृपा से आप लोगों को करोड़ों का धन मिलने वाला है और शनिदेव का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर लगातार बना रहेगा, जिसकी बदौलत आपके व्यवसाय में बहुत धन लाभ होने वाला है। व्यवसाय के भीतर बहुत वृद्धि होंगी, जिनसे आपका मन प्रसन्न हो सकता है। आप बस निरंतर आगे बढ़ते रहें, सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। आपके द्वारा बिजनेस में किया गया निवेश भी उत्तम मुनाफे के साथ वापस हासिल हो सकता है। आपको इनकम के क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी होगी। आप सफलता एवं नए कीर्तिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ सकते हैं और आप लोगों को कोर्ट कचहरी के मामलों में काफी सफलता हासिल होंगी। आप लोगों को धन लाभ होने वाला है और बच्चों से भी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। आपकी अधूरी मनोकामनाएं निश्चित तौर पर पूरी होंगी। शनिदेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सबसे अधिक रहेंगी। सच्चे मन से भगवान शनिदेव की आराधना करके शुरू किया गया कार्य भी सफल होंगे। आपके जीवन में खुशहाली दस्तक देंगी। सब्र का फल मीठा होता है। आपके जीवन में बदलाव आपके लिए बेहद ही आनंददायक होंगे। नए क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। आप गुस्से पे किसी से भी कुछ ना बोलें। अधिकारियों से भी बात करते समय आपको अनुभवों का विशेष उपयोग करने होंगे। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। माता पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे। कार्यस्थल में लोग आपके विचारों से सहमत हो सकते हैं तथा आप लोगों के जीवन में जो भी दुख तकलीफें हैं, उन सबों से आपको छुटकारा प्राप्त हो सकती हैं। मित्रों, सावधान, अगर आप अकेले हैं तभी आगे की जानकारियों को जानने की कोशिश करें, अन्यथा आप यहीं पे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आगे की जानकारियों में सारी के सारी जानकारियां रहस्यमय रहेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो मित्रों, आप लोगों के ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा रहने के कारण व्यापार के क्षेत्र में अपार सफलताओं के संयोग बनते दिख रहे हैं। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। आपको आर्थिक परेशानियों से बहुत शीघ्र छुटकारा मिल सकता है। आध्यात्मिक सुख एवं सुख शांति का वातावरण बने रहेंगे। आर्थिक दृष्टि हेतु परिणाम भी आपको काफी अच्छे मिलेंगे। विद्यार्थियों के मन में हुए नकारात्मक भावनाएं दूर हो सकती हैं। नई सोच आपको जीवन में सदैव कामयाबी की राह पर ले जा सकेंगी। आप भाग्य वृद्धि और धन लाभ की संभावनाओं बना सकोगे। पारिवारिक और व्यवहारिक कार्यों के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आपका आने वाला समय बेहद शुभ रहने वाला है। पैसों के साथ साथ आपको प्यार भी मिलेंगे। समाज में अधूरे पड़े हुए कार्य को भी आप अकेले अपने दम पर कामयाबी की हासिल पर कर सकते हैं। आपका हर कार्य बिना रुके ही पूर्ण हो सकता है। धन लाभ और बचत बढ़ सकती है। व्यापार व्यवसाय में उन्नति के अवसर भी सामने आ सकते हैं। आपका व्यापार सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा। घर परिवार में खुशियों का आगमन होंगे। जीवन साथी से प्रेम बढ़ सकता है। परिवार में खुशी की माहौल बनी रहेंगी। परिवार वाले, घर वाले लोगों की सहायता भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। मित्रों, आप तेजी से प्रगति करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ में जो भी कार्य करेंगे, गरीब और जरूरतमंद लोगों की भलाई करेंगे, उनको आपको सफलता मिलेंगे। आपके ऊपर भगवान विष्णु की भी अपार दया दृष्टि बनी रहेंगी, जिनके कारण सच्चे मन से भगवान विष्णु
की पूजा करके शुरू किया गया कार्य भी निश्चित तौर पर सफल होंगे। बार बार लगातार किया गया प्रयास आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होंगे। किसी के बहकावे में आकर कोई महत्वपूर्ण फैसला न करें। सोच समझ कर आगे बढ़ने की आवश्यकता होंगे। आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख दर्द भी समाप्त होंगे। अचानक आपको अपने जीवन में नई खुशखबरी मिल सकते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु जी की पूजा करना आपके लिए शुभ होंगे। आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे, दुश्मन भी परास्त होंगे। समाज में तेजी से प्रगति करते हुए नई मिसाल को स्थापित कर सकते हैं। परिवार के बुजुर्गों की बात अवश्य मानने से आपको लाभ होने वाला है तथा आपके जीवन में भाग्य का सहयोग मिलने वाले हैं। मित्रों, सितंबर महीने में आपके जीवन में ये तीन घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी। आपका जीवन भी बेहतर तरीके से व्यतीत होंगे। खान पान में अधिक रुचि हो सकते हैं। भगवान कुबेर देव की कृपा से आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप लोगों के ऊपर धन के देवता कुबेर देवता धन बरसाने वाले हैं। आपका फंसा हुआ पैसा भी वापस प्राप्त हो सकता है। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। लेन देन और निवेश से जुड़े मामलों में आपको संभल कर रहने होंगे। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेंगी। आप किसी भी सुखद यात्रा पर जा सकते हैं तथा आपको बताना चाहेंगे कि इन लोगों के लिए आने वाला समय धन लाभ देने वाला होगा। कार्यस्थल में उच्चाधिकारी भी आप लोगों के ऊपर काफी कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं। बच्चों के साथ आनंददायक समय व्यतीत सकते हैं। आपको रोजगार की प्राप्ति होंगी। प्रॉपर्टी के लिए आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है तथा आप समाज में कोई बड़ा कार्य करने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। थंबनेल बनाना। आपके जीवन में बहुत अधिक प्रगति देखने को अवश्य हासिल होंगे। आपके सोच समझ और अपने कार्य क्षेत्र में भी आप नई उड़ान को भर सकते हैं। भूल कर भी आप अपने किसी भी मुश्किल हालातों में किसी की भी अवहेलना न करें। आप अपने धन से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने की अवश्य कोशिश करें तथा आपके जीवन में आपको खुशियाँ अवश्य प्राप्त होंगी और धन प्राप्ति के कई स्रोत भी हासिल होंगे। पारिवारिक चिंताओं से भी आपकी स्थितियाँ तनावपूर्ण हो सकती हैं। निजी कार्यों में भी आपका दिन काफी व्यस्त होंगे। धन निवेश करने के लिए आपका समय अनुकूल हो सकता है। सोच समझ कर बोलें। छोटी मोटी कोई समस्याएं हैं उनसे भी आपको धन की प्राप्ति होंगी। आपको अपने पैसों का भी विशेष रूप से खर्च करने की जरूरत रहेंगे। आप अपने आमदनी का हिसाब किताब करने। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपके पंचम स्थान में अभी सूर्य और बुध की युति है जो प्रेम संबंधों के लिए काफी पूरी तरह से अच्छा संकेत दे रहा है। आपको विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में अपनी किस्मत का पूरा सहयोग प्राप्त होंगे। इस महीने आपकी लॉटरी लग सकती है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। संतान की ओर से कोई उपहार भी प्राप्त कर सकते हैं। किस्मत चमकने के कारण आपके सभी रुके कार्य पुनः से शुरू होंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ सकता है। ऑफिस के क्षेत्र में भी आपको पदोन्नति की प्राप्ति होंगी। व्यापार में चली आ रही परेशानियां भी दूर होंगे। आय के नए स्रोत भी स्थापित होने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधित मामलों के लिए आपका सप्ताह अनुकूल रहेंगे तथा इस महीने आप किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य करने से पहले अपने जीवन में जो भी दुख तकलीफें हैं उनको दूर करने की अवश्य कोशिश करें। कार्य क्षेत्र में भी नए आयाम को स्थापित कर सकते हैं। साथ ही आप किसी पुराने मित्र से या फिर दोस्तों से रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकते हैं। आपको पैसों से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आप नौकरी से जुड़े कई प्रकार के अच्छे कार्य कर सकते हैं जिनसे आपके मन में खुशी बरकरार रहेंगे। लंबे समय से आपके परिवार में हो रहे गृह क्लेश भी दूर हो सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट में भी अपनी भागीदारी का एहसास कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की खुशियां भी प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने होने वाली तीन घटनाओं के कारण आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं, संकट हैं, जो भी आर्थिक तंगियां हैं, उन सबों से आपको छुटकारा प्राप्त होंगी। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में लंबे समय से पैसे को फंसाया है वो भी आपको पूरा मिल सकता है। आप अपने जीवन में बहुत जानने की कोशिश कर सकते हैं। धन प्राप्ति के योग बने हुए रहेंगे। परिवार वालों से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपको अपने जीवन में किसी लंबी यात्राओं पर जाने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। आप पारिवारिक आयोजन में भी व्यस्त रह सकते हैं। आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करें। धन लाभ के नए स्रोत भी प्राप्त हो सकते हैं तथा ये तीन घटनाएं आपके जीवन में इस महीने हर हाल में होकर रहेंगी। व्यापार से भी आपको लाभ होंगे। रुके हुए काम भी आसानी से पूरे होंगे। कार्यशैली में अधिकारियों से भी आपको काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। व्यापार व्यवसाय में भी आपको धन की प्राप्ति होंगी तथा आपके जीवन में भोलेनाथ की असीम कृपा रहने वाली है। प्यार के मामले
क्षेत्रों में भी आप प्रगति करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, जिनसे आप तमाम तरह की बुराइयों को दूर कर सकते हैं, जीवन में सफलता के नए कीर्तिमान को स्थापित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानियाँ जल्दी ही दूर होने वाली हैं। जल्दबाजी में किया गया कार्य भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा तथा आपके संबंधों में भी मधुरता आ सकती है। आप अपने सारी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। आपके सोचने समझने और इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी करने के मौके भी आपको अवश्य हासिल होंगे। आप अपने जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह के अनुभवों को भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस समय आप जीवन में जो भी दुख तकलीफें समस्याएं संकटें या फिर आर्थिक तंगियों को देख रहे हैं, उन सबों से भी आपको छुटकारा प्राप्त होने वाला है तथा आप अपने सभी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आप लोगों के ऊपर कृपा बरसाने वाली हैं, जिनके कारण आपको लाभ की प्राप्ति होंगी और आपके सुख समृद्धि में बढ़ोतरी भी अवश्य हो सकती हैं। आप अपने जीवन में बहुत लाभकारी योजनाओं को बनाने का मौका भी प्राप्त कर सकते हैं और इस समय आपकी सोची गई रणनीति भी आपके काम आ सकती हैं और जीवन में आपको लाभ दिलाने में भी सहायता कर सकते हैं। इस महीने बनने वाले ग्रह गोचर में हो रहे परिवर्तनों के कारण इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी भी प्राप्त होने वाली है और न चाहते हुए भी इन तीन घटनाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है तथा आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपको प्राप्त होने वाली है और कार्य क्षेत्र में भी आपको सच्चे प्यार की प्राप्ति होंगी। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से आपके तमाम दुख तकलीफें दूर होंगी। समय के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। आपका दिन बेहतर बने।